नमस्कार, घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। हींग का प्रयोग सभी खाने के स्वाद को बढ़ाने और महक को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हींग केवल खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता बल्कि कई रोगों की नेचुरल दवा के रूप में भी काम करता है। तो जानिए हींग के कुछ अच्छे गुण। हींग को पानी में घोलकर लेने से कई तरह के दर्द से छुटकारा मिलता है। ये इतना अच्छा होता है कि नवजात शिशु तक को ये दिया जा सकता है। हींग का सेवन करने से इसका फायदा नहीं मिलता बल्कि इसे लगाने से भी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जानते हैं हींग के बारे में और ये किस किस बीमारी के लिए फायदेमंद है। अपच और पेट की दूसरी समस्याओं से निजात पाने के लिए सदियों से हींग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हींग के पानी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व खराब पेट, एसिडिटी, पेट के कीड़े को दूर करने के साथ ही अपच की समस्या को भी दूर करते हैं। जिन बच्चों या बड़ों को भूख न लगने की समस्या हो उन्हें घी में हींग डालकर अदरक को भूनना चाहिए। इसके बाद इस पर नींबू का रस छिड़क कर पीना चाहिए, इससे भूख लगने लगेगी। हींग के पानी में आयरन होता है जो एनीमिया यानी खून की कमी से बचाता है। चुटकी भर हींग वाला पानी पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही इतना ही नहीं, ये सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन से भी रक्षा करता है। शरीर में कहीं अगर कांटा धंस गया हो और वो अंदर चला गया हो तो आप उस पर हींग का पानी लगाकर बैंडेज से बांध दें। ऐसा करने से कांटा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अपने खाने में हींग का इस्तेमाल करने के साथ ही गुनगुने पानी में हींग मिलाकर पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। कान में दर्द होने पर तिल के तेल में हींग को पकाकर इसे बूंद बूंद कई बार डालें, इससे दर्द में राहत मिलेगी और यदि कान में कुछ कीड़ा आदि चला गया हो तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। वहीं गुनगुने पानी में हींग मिलाकर पीने से दांत का दर्द, माइग्रेन जैसे दर्द से आराम मिलता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दर्द निवारक तत्व मौजूद होते हैं जो दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.